पाकिस्तान को लेकर शाहरुख पर लगा बड़ा आरोप, जानिए सच्चाई। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पूरा बॉलीवुड शहीद जवानों के परिवारों की मदद में जुटा हुआ है। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन समेत तमाम सितारे जवानों की आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। ऐसे में शाहरुख खान सोशल मीडिया में कुछ लोगों के निशाने पर आ गए हैं। शाहरुख खान को लेकर सोशल मीडिया में यह खबर शेयर की जा रही है कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद के लिमिटेड 45 करोड़ रुपए दिए थे, मगर भारतीय जवानों की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे। सोचिए, एक तरफ देश में जब शहीदों के लिए बच्चा बच्चा आंसू बहा रहा हो और पाकिस्तान की हिमाकत पर उबल रहा हो, उस दौर में ऐसी खबर क्या गुल खिला सकती है। वही हुआ भी, जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया में वायरल हुए, लोग भड़कने लगे और शाहरुख के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगे। मगर जब इस खबर की सच्चाई जांची गई तो नतीजा कुछ और ही निकला, जैसा कि सोचा गया था। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया में शाहरुख को बदनाम करने के लिए एक वीडियो को एडिट करके फैलाना शुरू कर दिया। यह वीडियो एक चैनल का था जिसने इस खबर की सच्चाई दिखाई थी, मगर कुछ लोगों ने वीडियो का सिर्फ वो हिस्सा लिया जिसमें इस खबर के बारे में बताया जा रहा था, जबकि जिस हिस्से में इस खबर को झूठ और अफवाह करार दिया गया था उस हिस्से को हटा दिया गया था। जब शाहरुख के फैंस को इस बात का पता चला तो वो एक्टिव हो गए और सोशल मीडिया में स्टॉप फेक न्यूज अगेंस्ट एसआर के हैशटैग से सच्चाई शेयर करने लगे। कुछ यूजर्स ने शाहरुख के चैरिटी वर्क को भी शेयर किया और कहा कि शाहरुख अपनी चैरिटी का प्रचार करने में शर्माते हैं, लिहाजा ऐसी बातें सामने नहीं आ पाती। वहीं जाने माने निर्देशक हंसल मेहता ने भी शाहरुख खान के खिलाफ चल रहे इस दुष्प्रचार को गलत बताते हुए कहा कि शाहरुख के बारे में एक फर्जी खबर अभी देखी है, मुझे अभी भी उनसे ज्यादा दयालु और विनम्र स्टार की तलाश है। ऐसा व्यक्ति जो किसी शोर शराबे के बिना जरूरतमंदों की मदद करता है या अपनी छवि बनाने की कोशिश नहीं करता। मुझे यह कहने के लिए नहीं कहा गया है, फिर भी कहना चाहता हूँ स्टॉप फेक न्यूज अगेंस्ट एसआर के। शाहरुख ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए कहा था, हमारे बहादुर जवानों के परिवारों के लिए दिली संवेदनाएं, ईश्वर करे कि हमारे जवानों की आत्मा को शांति मिले।